बारा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं राजस्थान के फेमस डिस्ट्रिक्ट में से एक आता है। यहाँ की अनोखी बातें आपको जरूर जानने चाहिए जो कि आपको हैरान कर देगा। आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं बारा रेलवे स्टेशन के और साथ साथ में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हैं, क्या क्या चीजें, पूरी जानकारी देने वाले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि बारा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड की बात करें, जब कभी भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बारा, कहते हैं बारा तालाबों से बनकर ये बारा का नाम रखा गया है। हालांकि जो पूर्वज हैं वो यहाँ के लोग कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रैक की बात करें इस रेलवे स्टेशन में, तो 3 ट्रैक है और 3 प्लेटफॉर्म है। जब कभी भी आप जाते हैं बारा रेलवे स्टेशन तो देख सकते हैं ये आपको मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग लोग लगे हुए रहते हैं और आपको यहीं से ट्रेन भी लेनी पड़ेगी। ये आपको बता दें जो कि ट्रेन यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसका स्टेशन कोड BAZ है, जब भी आप सर्च करेंगे। और तीनों प्लेटफॉर्म में पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनें आती रहती है। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन जो यहाँ का है वो भोपाल जोधपुर पैसेंजर ट्रेन है, कोटा इटावा एक्सप्रेस है, इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जबलपुर अजमेर जो है ये एक्सप्रेस है, कोटा बीना जो है पैसेंजर ट्रेन है। तो ये सारा आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एंट्री लेंगे, देख सकते हैं एंट्रेंस गेट से, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म के अंदर में ही खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ साथ में यहाँ पे AC नॉन AC दोनों वेटिंग रूम है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये बाहरी हिस्सा कुछ इस तरीके से बनाया गया है, यहीं पे गाड़ियाँ वगैरह आके रुकती है। तो यहाँ से आप ऑटो पकड़ के और फिर बारा डिस्ट्रिक्ट के कोई भी जगह पे आप जा सकते हैं। तो ऑटोज आपको हमेशा मिल जाती है, ऐसा दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे डिवीज़न की बात करें तो ये कोटा डिवीज़न में पड़ता है, चूँकि कोटा से अलग होके ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बना हुआ है। जोन की बात करें, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ता है। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है। पार्किंग की व्यवस्था बाहर में है। ये समय सारणी है कौन सी ट्रेनें कब जाती है। साथ साथ में यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी, अंदर बाहर दोनों जगह पे, जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह करके और फिर अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर भी है, जहाँ से आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, और वेटिंग हॉल भी है AC नॉन AC, जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। रात को अगर आप आते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे जब ट्रेनें आती तभी लोग आते हैं, तो आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगा। सामने मशीन भी लगाया गया है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, नहीं तो काउंटर भी लगाया गया जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। पूछताछ का और आपको टिकट का काउंटर एक जगह पे ही मिल जाएगा, दोनों चीज़ों को आप एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ से ऑटो लीजिएगा, 10 रुपये लेगा और देन फिर आप 12 के और भी मार्केट वगैरह में जा सकते हैं। साफ़ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और पूरी तरीके से हरियाली रखा गया। बाहर में आप देखेंगे पेड़ पौधे लगाया गया। इसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि ये सामने का एंट्रेंस गेट है, देख सकते हैं 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों को पार्क करके आप रख सकते हैं। स्टेशन मास्टर ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था है। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप प्रवेश करेंगे। तो बारा रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। अभी के टाइम में आप यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो कुछ दिन बाद भी जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लोगों की जनसंख्या के साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो ये है बारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, और जो है यहाँ पे ज़िले का मुख्यालय भी है। साथ साथ में अगर हम करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इतिहास का, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। आपके पास भी कोई जानकारी हो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी बारा से हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।